आपका स्वागत है हमारे चैनल द एबीसी ब्लॉक में। तो आज हम आए हुए हैं बेरमो के रहस्यमय मंदिर में, जो कि बहुत ही रहस्यमय स्थल पे आपका स्थित है। यहाँ पास आप अकेले आएंगे या फिर दोस्त के साथ भी आएंगे तो आपको डर लगेगा। यह मंदिर बहुत ही वीरान जगह पर है और शाम को आएँ चाहे रात को आएँ तो आपको डर लगेगा। इस मंदिर की खासियत है, यहाँ जो भी बलि चढ़ती है वो यहीं पर खा के वापस जाया जाता है घर को। यहाँ से आप प्रसाद घर नहीं ले जा सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमय है और हम लोग को यह मंदिर को खोजने में 10 से 12 किलोमीटर हम लोग चल चल के परेशान हो गए हैं। बार बार गुम हो जा रहे हैं कि कहाँ जाना है, फिर हम लोग को रास्ता सही मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, अब हम लोग यहाँ आके रुक गए हैं, क्योंकि जिस मंदिर के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, भैरव बाबा मंदिर, वो पहाड़ के हमारे पीछे जो पहाड़ है उसके उस पार है। और यहाँ से हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि यहाँ से फिर गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग इस पहाड़ के उस पार जाएंगे, पैदल जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं और आधा पहाड़ में ही हम लोग थक चुके हैं। और आगे देखिए, उधर पहाड़ के एक गुफा नज़र आ रहा है, दिखाइए उधर। तो चलिए उस गुफा के पास जाके देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। चढ़ने में बहुत बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये कांटा क्या है? यहाँ आए तो यहाँ फल मिला, इसे शंख फल कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही विचित्र किस्म का फल मिला है यहाँ, आप देख सकते हैं। ये हमें पहाड़ का बीचों बीच में मिला। चलिए अभी और ऊपर जाना है, देखते हैं और क्या क्या अनोखी चीज मिलती है। और ऊपर, और ये गुफा हमें नजर आया है दोस्तों। इस गुफा के अंदर में क्या है हमें तो नहीं पता। यहाँ पर आदमी रहने का एक नंबर व्यवस्था है। हाँ। तो कैमरामैन देख सकते हैं, यहाँ पर रात को कोई आदमी विराम कर सकता है। एक नंबर आदमी यहाँ पर, आदमी का साइज का है। और आप दिखा सकते हैं ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपको दूर दूर तक पहाड़ी नजर आएगा। और यहाँ पर फ्रेश एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है जो मन को सुकून पहुंचाती है। हाँ। हम लोग थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पैदल यात्रा आगे की ओर लेके जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ इस गुफा के अंदर भी एक रास्ता गया है अंदर की ओर। हम लोग जाने के लिए उतना बड़ा जगह तो नहीं है, हम लोग जा नहीं पाएंगे। इस रास्ता को लगता है ब्लॉक कर दिया गया है, तो दूर से ही हम लोग आपको दिखा देते हैं जितना दिखा पाएंगे।
दोस्तों हम लोग पहाड़ लगभग चढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर है और हम लोग पहाड़ चढ़ जाएंगे। उसके बाद में पहाड़ हम लोग पहाड़ के उस पार मंदिर का दर्शन करेंगे और आप सबको भी कराएंगे। चलिए थोड़ा सा और हिम्मत नहीं हारना है। दोस्तों आखिरकार हम लोग पहाड़ चढ़ चुके हैं और सामने मंदिर है। चलिए अब मंदिर का दर्शन करते हैं। बहुत थक चुके हैं, बस आराम कर लेंगे, पानी भी पी लेंगे। पहला पहाड़ हम जिंदगी का पहला पहाड़ चढ़े हैं, आज तक लाइफ का पहला पहाड़ है। अच्छा अब थोड़ा बैठते हैं भाई, आज क्या लग रहा है? ये पहाड़ का टॉप मतलब सबसे ऊपर की जगह पे अभी हम खड़ा हैं। ये रास्ता जो देख रहे हैं आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यही रास्ता मंदिर की ओर जाता है। अभी थोड़ा देर हम लोग रेस्ट करने के बाद निकलेंगे उस तरफ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों हम लोग पहाड़ चढ़ चुके हैं फाइनली और यहाँ पे हमें एक बेल का पेड़ नज़र आया है जिसके छाँव में अभी हम लोग बैठ के थोड़ा सा आराम करेंगे। पहाड़ चढ़ के बहुत थक चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक बेल का बहुत अच्छा सुंदर सा पेड़ हम लोग को मिला है, नीचे बेल की फरा भी है, बहुत सारा बेल। देखिए यहाँ पर, देखिए बेल उल नज़र आ रहा है। दिखाइए कैमरामैन इनको बेल दिखाइए, यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हम लोग पहाड़ तो चढ़ चुके हैं, अब हम लोग नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग मंदिर नज़र आया नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। वो देखिए मंदिर, वो देखिए। दोस्तों हम लोग का मंदिर नज़र आ चुका है और हम लोग इसी रास्ते पर ही हम लोग नीचे उतरेंगे और मंदिर जाएंगे। चलिए चलते हैं मंदिर। सुनो, बोतल हम दुकानदार को दे देंगे, बोतल दुकानदार। आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, यह मंदिर पहाड़ पहले चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर पहाड़ फिर उतरिए। हमको वापस भी आना रहेगा तो पहाड़ चढ़ के फिर उतरना पड़ेगा, यह मंदिर की यही खासियत। आइए आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों पहाड़ से उतरते वक्त चलो तो दोस्तों पहाड़ से उतरते वक्त हमारे जो दोस्त थे रविकांत भैया जी वो फिसल के गिर गए हैं और पेड़ में शायद इनके हल्का सा मोच आ गया है, तो अब इनको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। देखिए इनके पैर में थोड़ा लगता है ज्यादा ही चोट आ गया है। ठीक से दवा दो। देखिए हमारे अमीर भैया जी थोड़ा बड़ा डॉक्टर का कोर्स किए हुए हैं। हाँ ठीक हो गया। हाँ देखिए देखिए चल के देखिए देखिए पैर झाड़िए अच्छा महसूस हो रहा। हाँ लगता है ठीक हो गया। हमारे अमीर भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता है ये। अगर आप आ सकते हैं आपसे तो अभी आइएगा, देख लीजिए किस तरह हम लोग को आना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग को देखिए पूरा मंदिर के सामने से पूरा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ही दूर बचा हुआ। हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और पहुंच जाएंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे, आप सबको भी कराएंगे। तो चलिए हल्का सा और बचा हुआ चलिए चलते हैं। बोलो बोलो जय श्री राम। फाइनली दोस्तों हम लोग पहाड़ के नीचे उतर चुके हैं और हमारे सामने ही बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, थोड़ा मुंह हाथ धो लेंगे। यहाँ पर चापानल का भी व्यवस्था किया गया है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यही वो मंदिर है जिसके बारे में हम आप सबको अभी तक बताए थे,
जिसका इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ का स्थान है, वो यहाँ पे विराजमान है और उन्हीं का पूजा यहाँ पे होता है। और रात को यहाँ पे बलि भी दिया जाता है बकरा का, और यहीं पर सारा प्रसाद का ग्रहण यहीं पे किया जाता है। यहाँ से प्रसाद आप घर नहीं ले जा सकते, तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और यहाँ बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तो ताला बंद है, लगता है दोपहर के समय यहाँ पे ताला बंद कर दिया जाता है। अंदर में देखिए यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी का एक प्रतिमा स्थापित किया गया है। चुके हैं या एकदम वीरान जगह में है, और यह मंदिर में आपका रात्रि में पूजा होता है जो कि बहुत खौफनाक है। हम लोग पहाड़ चढ़ के आए, हम लोग को लग रहा था कि पीछे कोई है, हम लोग का कोई साया आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब कि यह बोला जाए तो पूरा वीरान जगह, दूर दूर तक देखेंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। जो हम लोग 5-6 आदमी आए हुए हैं, इसी में हम लोग को लग रहा है कि कोई है हम लोग के पीछे। इस मंदिर पे आए अपना रिक्शा से, रात्रि में पूजा होता तो कैसे आते होंगे हमको तो वो समझ में नहीं आ रहा। दिन अभी जैसे कि आप देख सकते हैं दिन का 2:30 बज रहा है, मंदिर का भी पट बंद कर दिया गया है और बहुत डर लग रहा है। अब हम लोग को जाना है, शाम होने से पहले हम लोग को घर पहुंचना होगा, नहीं तो यह बहुत वीरान जगह है, यहाँ जानवरों की भी खतरा है। और सुनने में आया जो अगर जो आप रेत उत पे अगर विश्वास करते हैं तो उसके लिए और भी हानिकारक जगह है। ये लग रहा था कि कोई ना कोई हमारे पीछे आ रहा है, आहट आ रहा है, कुछ घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। हम लोग पहाड़ जब चढ़ रहे थे तो घुंघरू की आवाज़ कोई है ऊपर, लेकिन जब वहाँ पहुँचे ऊपर तो कुछ भी नज़र को नहीं आया, और जहाँ तहाँ देखे कि हड्डी भी फेंका हुआ है। तो यह बहुत सुनसान और वीरान जगह है, कृपया इसे आए तो अपने साथ किसी को लेके ही आए, अकेले ना आने का कोशिश करें इस मंदिर में, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। भूत का तो डर नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग मंदिर का बाउंड्री में हैं, लेकिन आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा अनजान शक्ति का आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई है। लेकिन बाबा का यह चमत्कार है, यहाँ आया है तो किसी को हानि आज तक नहीं भूत ने पहुँचाया। लेकिन बहुत कोई बोलते हैं कि रात को जो पूजा देने आते हैं तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पास भूतों का भी साया है, जानवरों का भी साया है, लेकिन बाबा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी आते हैं अपना आते हैं जाते हैं, अच्छे से पहुंच जाते हैं घर। लेकिन कृपया आए तो साथ में दोस्त यार को लेके ही आए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों जितना हम लोग को जानकारी यहाँ के स्थानीय निवास से मिला, आपको हम वीडियो का माध्यम से आपको दिखाएं और आपको बताएं। कुछ अगर हमारे द्वारा अगर छूट जाती है जो हम लोग आपको जानकारी इस मंदिर की नहीं दे पाए तो हमें क्षमा करें, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे मनोबल को और अच्छा मिलेगा, हम लोग और बढ़ेंगे तो और अच्छा अच्छा वीडियो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।